प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने इस बोर्ड पर एक अनुच्छेद लिखा है। इसको पहले मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनके नीचे मैं एक लाइन खींचूंगा, उसके बाद इन सभी चीज़ों को हम स्पष्ट करेंगे। देखिए, शुभम के बड़े भाई अशोक नगर में रहते हैं। यहाँ पर मैं रेखांकित कर रहा हूँ। शुभम के बड़े भाई अशोक नगर में रहते हैं। शुभम उनसे मिलने राजनगर गया। अचानक शुभम को देखकर अशोक ने कहा, अरे शुभम तुम? शुभम ने बताया कि आपसे मिलने का मन हुआ तो चला आया। अशोक ने पूछा, क्या तुम आज ही वापस जाओगे? शुभम ने उत्तर दिया, मैं आज नहीं जाऊंगा। अशोक ने कहा, ठीक है, शायद आज मैं देर से लौटूं, तुम बाजार चले जाओ, लो ये पैसे, माया के लिए एक माया के लिए एक अच्छा सूट खरीद लेना। उसने कपड़े की दुकान से माया के लिए एक सूट खरीदा और लौट आया। शुभम ने अशोक को लाया हुआ सूट दिखाया। अशोक ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही बाजार घर चलूं। यहां भी रेखांकित हम करेंगे। मेरे साथ बहुत सारा सामान है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आठ वाक्यों पर मैंने लाइनिंग किया है। इसका आशय आप समझ रहे होंगे कि ये जो अनुच्छेद में मैंने अंडरलाइन किया है, नीचे लाइन खींचा है, उन सभी वाक्यों का विन्यास भिन्न भिन्न है। जैसे पहला हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, शुभम के बड़े भाई अशोक नगर में रहते हैं, यह एक साधारण वाक्य है। दूसरे वाक्य पर चले, अरे शुभम तुम, ये पहले वाक्य से भिन्न अर्थ स्पष्ट कर रहा है। इसी तरह से आगे हम चलते हैं, क्या तुम आज ही वापस जाओगे? यहां पर देखिए वाक्य वही है लेकिन इसका आशय अलग निकल रहा है, क्या तुम आज ही वापस चले जाओगे? आगे देखें, मैं आज नहीं जाऊंगा, इससे ये भिन्न है। इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, शायद आज मैं देर से लौटूं, यह भी इस वाक्य से भिन्न है। इसके बाद आगे चलें, तुम बाजार चले जाओ, यह वाक्य भी इस वाक्य से भिन्न है। इसके बाद आगे की ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो यहाँ पर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही घर चलूँ, यह भी इससे भिन्न है। और अंत में इस अनुच्छेद में एक वाक्य मैंने लिखने का प्रयास किया है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे भी सुविधा होगी। इस तरह से इस अनुच्छेद में मैंने 8 तरह के वाक्य बनाने का प्रयास किया है और इसी को हम आगे के क्रम में बिंदुवार समझेंगे, वाक्य रचना या वाक्य विन्यास।